वेलकम एवरीवन तो आज हम लोग यूनिट थ्री स्टार्ट करेंगे इसमें यूनिट थ्री में है हम लोग का कॉम्पिहेंशन तो कॉम्पिहेंशन का मैंने सोचा ज़्यादा सिर्फ एक ही वीडियो बनाएंगे पर कॉम्पिहेंशन का हम लोग दो वीडियोस देखेंगे ये पहला पार्ट है और इसके पार, इसके बाद पार, पार दूसरा पार्ट आएगा तो यूनिट थ्री में कॉम्पटिशन में हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंशन क्या होता है इसका पैटर्न क्या होता क्या है क्वेश्चन टाइप कैसे आता है और कितना टाइम हम लोग को देना चाहिए ताकि कॉम्पिहेंशन हम लोग का अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए और हम लोग देखेंगे पी वाई क्यू प्रैक्टिस के लिए तो दो मैंने कॉम्पिहेंशन इस पार्ट में लिए हैं और दो कॉम्पिहेंशन नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे तो इन दो को सॉल्व करेंगे ताकि जो पी वाई क्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 हम लोग का लेटेस्ट पी वाई क्यू है उनसे दो कॉम्पिहेंशन लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कॉम्पिटन कैसे सॉल्व किया जाता है तो अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो कॉम्पिटेंशन के बारे में अगर बात की जाए पहले कॉम्पिटेंशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ और फिर हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटेंशन के बारे में अगर बताया जाए कॉम्प्रीहशन तो में आपके टोटल फाइव क्वेश्चन आते हैं ये फाइव क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन दो मार्क्स के होते हैं तो टोटल आपके दस मार्क्स के हो गए कॉम्प्रीहेंशन और ये चैप्टर सबसे आपका ईजीएस्ट है इसमें कोई भी आपका दस मार्क्स अटेंड कर सकता है इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए होता है सिर्फ एग्जाम पेपर में जाके एक कॉम्पिटेंशन पढ़ना पड़ता है एक पैसेज को पढ़ना पड़ता है और उसका आंसर देना पड़ता है बहुत टाइम में क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आखिर के दो या तीन मिनट रख देते हैं जहाँ पर वो पूरे कॉम्पिटेंशन को पढ़ के आंसर देना चाहते हैं क्योंकि वो इसको इतना ईसी समझते हैं पर यहीं पर मेन गलती हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम देखेंगे कॉम्प्रेंशन का साइज जो है वो काफी लंबा रहता है और थोड़ा मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछे जाता है तो इसलिए कॉम्फिडेंशन के जो क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से हम लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए उनको भी टाइम देना चाहिए क्योंकि उनका वैल्यू भी मतलब इक्वल ही है जैसा हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में या कैलकुलेशन में दस मिनट देते हैं पाँच को क्वेश्चन करने के लिए वैसे ही कॉम्फिएंशंस को भी कम से कम पाँच से सात मिनट देना चाहिए इससे क्या होगा हमारे जो फाइव क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपके करेक्ट होंगे और आपको टेन मार्क्स सबसे इजी तरीके से दे जाएंगे पेपर वन में जिसका बहुत वैल्यू होता है तो चलिए कॉम्पिटन को देखते हैं आज जो दो कॉम्पिटन्स करेंगे वो काफ़ी आसान होगा और कल जो दो कॉम्पिटेशन करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होगा पर आज के लेवल में जो कॉम्पिटन करेंगे उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो चलिए कॉम्पिटेंशन को देखते हैं। ये रहा पहला कोरोना वायरस कोविड नाइनटीन पैंडेमिक ये मैं पढ़ने स्टार्ट करूँ आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं द कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन डिफाइनिंग ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम एंड द ग्रेटेस्ट चैलेंज वी हैव फेस्ड सिंस वर्ल्ड वॉर टू सिंस द इमरजेंस इन एशिया लास्ट ईयर the virus has spread to every continent except antarctica. we have now reached the tragic milestone of one million deaths, and human family is suffering under an almost intolerable burden of loss. but the pandemic is much more than a health crisis. it is also an unprecedented socio economic crisis, stressing everyone of the country it touches. It has potential to create devastating social, economical, and political affairs that will leave deep and long-standing scars. UNDP is the technical lead in the UN social economic recovery, along the health response led by WHO and the global humanitarian response plan. And working under the leadership of UN residence coordinators. Everyday people are losing jobs and income with no way of knowing when the normality will return. Small island nations heavily dependent on tourism have empty hotels and deserted beaches. International Labour Organization estimates that 400 million jobs would be lost.

तो सबसे पहले आपको जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा एक बार आप वीकली पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए तो कॉम्प्रिहेंशन का आपको ऊपर ऊपर एक आइडिया हो जाएगा इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन हैं उन्हें अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए पांच क्वेश्चन में आपने जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर लिए वो आपके लिए अच्छा होगा एक बार आपने पूरा जब पढ़ लिया होगा तो आप सेकेंड में क्या करोगे में आप फिर से जाके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर देखोगे कि क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंगली में पर मार्क किया हुआ आप कहां पर मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग देखोगे इससे क्या होगा आप क्वेश्चन भी रीचेक हो जाएगा और आपके आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं द मेजर क्राइसिस फेस्ड बाई वर्ल्ड वॉर इन विच एरिया ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन सी है कॉम्युनिकेशन या ऑप्शन डी है हेल्थ तो यहां पर क्वेश्चन देखिए द मेजर क्राइसिस फेस बाय द वर्ल्ड वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर टू इन विच एरिया ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन सी है कॉम्युनिकेशन ऑप्शन डी है आपका हेल्थ इसका अगर सही आंसर देखा जाए उससे पहले आपको देखना है यहाँ पर की क्या है यहाँ पर एक की है मेजर क्राइसिस और दूसरा की है वर्ल्ड वॉर टू अगर आप कॉम्प्रशन में देखो तो यहाँ पर लाइन है द कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन डिफाइनिंग ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम एंड द ग्रेटेस्ट चैलेंज वी हैव फेस्ड सिंस वर्ल्ड वॉर टू तो ऑप्शन ए में देखिए आपके इंडस्ट्रियल है बी में टेक्नोलॉजिकल है सी में कम्युनिकेशन है और डी में हेल्थ है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हेल्थ फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन द लेफ्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अनफेक्टेड तो पैंडेमिक किस एरिया को हैज लेफ्ट अनएफेक्टेड तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन देखना होगा इसके लिए आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा पूरे कॉम्पिटेशन से आइडिया लेना होगा देखिए पहला यहाँ पर सेंटेंस है वी हैव नाउ ट्रेजिक माइल स्टोन ऑफ वन मिलियन डेथ मतलब हम लोग को सोशल इफेक्ट पड़ा है तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा बाद यहाँ देखिए एवरी डे पीपल आर लूजिंग जॉब्स एंड इनकम आपका ऑप्शन बी भी, भी यहाँ पर नहीं होगा जो कि इकोनॉमिक फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल आइलैंड नेशंस हेवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म होटल एंड डेजर्टेड बीचेस आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन आपका बच गया ऑप्शन डी। डीच कॉन्टिनेंट इज लिस्ट एफेक्टेड बाई कोविड नाइन्टीन ऑप्शन ए में आपका एशिया ऑप्शन बी में आपका नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन सी में है आपका ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी में आपका एंटार्क्टिका तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है यहाँ पर फाइडर हैेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी एंटार्क्टिका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवेन टेक्निकल लीड टू यूएन सोशल इकोनॉमिक रिकवरी प्लान यहां पर देखिए आंसर है यूएनडीपी इज द टेक्निकल लीड इन दू एन सोशल इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यू एन डी पी तो ये जो कॉम्पिटन है ये आपका वन ऑफ द इजिएस्ट कॉम्पिटेंशन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे तो ये इसीलिए मैंने सबसे पहले दिया ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए और आपको कॉम्पिटेंशन सॉल्व करने में इंटरेस्ट बन पाए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वो इसमें और एक क्लास क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये आसान हो जाएगा इन द वेक ऑफ कोविड नाइनटीन विच ऑफ दर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन ए है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री ऑप्शन बी है सेंटर ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑप्शन डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिस्ट चांस ऑफ क्लोजर मतलब क्या है कि कोविड नाइन्टीन होने के बाद कौन सा इंडस्ट्री बंद होने के चांसेस सबसे कम है तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन ए टूरिज्म बी हेल्थ केयर सी इंडस्ट्रियल या फिर डी एडुकेशनल तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो आंसर है आपका ऑप्शन बी हेल्थ केयर क्योंकि कोविड नाइन्टीन के दौरान हम लोग को पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का हॉस्पिटल हेल्थ केयर रिसर्च ये सब हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो विच हैज द एस्टेब्लिशमेंट विल हैव दीस्ट चांस ऑफ लूज तो ऑप्शन बी हो गया आपका हेल्थ केयर देखेंगे हम लोग सेकेंड पी वाई क्यू क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे हाउ मच टाइम शुड यू अलॉट फॉर अ ग्रूप वर्क इट डिपेंड्स ऑन टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बट यू मस्ट मेक सम मोर डिफाइंड एस्टिमेट्स एज वेल You need to determine the time to devote to group work and time to devote to all those coming together to share the contributions. The later time may be used for group report, the whole class discussion, debriefing to relate the work experience of each group to the end product, or some combination of these tasks. ये कॉम्पिकेशन में काफी बार देखोगी ये लाइन अगर देखो ये लाइन काफी लंबा है और इससे क्या हो जाता है हम लोग जब बहुत लंबा लाइन को ही पढ़ते हैं तो हम लोग अच्छे से रिलेट नहीं कर सकते तो ऐसा कोई लंबा लाइन अगर होगा तो इसे आप अपनी मर्जी से ब्रेक कर सकते हो और फिर छोटे छोटे लाइन्स में पढ़ सकते हो तब आपको मतलब समझने में ज्यादा आसानी होगा चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ग्रुप वर्क कैन ईजिली गेट आउट ऑफ हैंड In the excitement, controversy, and natural dialogue that come from passionate discussion, this possibility requires you to place limits on each state of the cooperative learning activity. So, one stage does not meet, meet time from another and leave the task disjointed and incomplete in your learner’s mind. Most of the time naturally. Will be devoted to the work of individual groups, during which the major portion of the end product will be completed. Individual to work normally will consume 60 to 80% of the time devoted to the cooperative learning activity. The remaining time has to be divided among individuals for presentations and whole class discussion. And debriefing that places the group work in the perspective of a single end product. If you plan both group reports and the whole class discussion for the same day, be aware that the discussion probably will get used into a fraction of the time required to make it meaningful. To avoid this, the group discussion of the briefing of the following class day may be so scheduled so that the class members have the time to reflect on the group reports and put together their own thought about their co collaborative process which may or may not have occurred as interested providing 50 or 20 minutes at the beginning of the class the next day is usually enough time for students to have acquired the proper distance to reflect

और ऐसा डिफिकल्ट कॉम्पिटेंशन आपका मेजरली आता है क्वेश्चन पेपर में तो आप थोड़ा सा टाइम दे इसको एक बार पढ़ेंगे आंसर देंगे फिर जो क्वेश्चन हैं उनके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आप लोग अगर वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन जो कॉम्पिटेशन है उसको खुद से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे हु कैन डिस्टर्ब ग्रुप वर्क ऑप्शन ए है डिफिकल्टी ऑफ टास्क ऑप्शन बी है होल क्लास डिस्कशन ऑप्शन सी है आपका डिस्कशन विच इन्फॉल्व इमोशंस ऑप्शन डी है आर्ग्यूमेंट ऑन फेरियस तो क्या लगता है आपका इसका सही आंसर क्या होगा ऑन डिस्ट्रप्ट कर सकता है आपका ग्रुप वर्क तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं इसका सही आंसर देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप वर्क कैन इजीली गेट आउट ऑफ हैंड इन द एक्साइटमेंट कंट्रोवर्सी एंड नेचुरल डायलॉग दैट कैन कम फ्रॉम पैशन एंड डिस्कशन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिस्कशन विच इन्वॉल्व इमोशंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप्शन फॉर द पैसेज इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा और तो इसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑप्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप्शन फॉर द पैसेज ऑप्शन ए में गाइडलाइंस फॉर कॉपरेटिव लर्निंग ऑप्शन बी में प्रोसीड्यूर फॉर कॉपरेटिव लर्निंग ऑप्शन सी में आपका प्रिकॉशन इन द कंडक्ट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग और डी में आपका लिमिटेशंस ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग बट आप लोग खुद से इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर प्रिकॉशन इन द कंडक्ट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ ग्रुप वर्क कैन इजिली गेट आउट ऑफ हैंड इन द एक्साइटमेंट कॉन्ट्रोवर्सी एंड नेचुरल डायलॉग दैट कैन कम फ्राम पैशनेट डिस्कशन ये हो गया मेरा पहला प्रिकॉशन दूसरा प्रिकॉशन इफ यू प्लान बोध ग्रुप रिपोर्ट एंड द होल क्लास डिस्कशन फॉर द सेम डे बी अवेयर दैट द डिस्कशन प्रॉबेबली विल गेट यूज इंटू अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम रिक्वायर टू मेक इट मीनिंगफुल तो ये दोनों हम मेरे प्रिकॉशंस दिए हुए तो सही आंसर होगा प्रिकॉशन इन द कंडक्ट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग हालांकि जब मैंने खुद से ये कॉम्प्रेंशन सॉल्व किया था तब मैंने आपका ऑप्शन ए में टिक किया था पर यूजीसी नेट के जो आंसर शीट है जो वो आंसर की रिलीज करते हैं उसमें सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ मेजर चंक ऑफ टाइम इन कॉपरेटिव लर्निंग इज डिवोटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए है इंडिविजुअल ग्रुप प्रेजेंटेशन ऑप्शन बी है होल क्लास डिस्कशन ऑप्शन सी है आपका इंडिविजुअल ग्रुप वर्क या फिर ऑप्शन डी है आपका डीप ब्रीफिंग इसमें कौन सा आंसर जो है आपको सही लगता है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लगता है अब आंसर देख लेता है यहां पर देखें मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरली विल बी डिपोर्टेड टू द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप तो यहां पर सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इंडिविजुअल ग्रुप वर्क विच इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ टाइम एलोकेशन इन कॉपरेटिव लर्निंग वाट इज द मेन डिटरमिनेंट ऑफ टाइम एलोकेशन इन कॉपरेटिव लर्निंग ऑप्शन ए है टाइम डिवोटेड टू ऑल ऑप्शन ग्रुप ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नंबर ऑफ टास्क इन्वॉल्व इसका आंसर देने का आप लोग ट्राई कीजिए तो इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नंबर ऑफ टास्क इन्वॉल्व ये देखिए पहले लाइन में ही हम लोग का मेंशन किया हुआ है हाउ मच टाइम शुड यू अलॉट फॉर अ ग्रुप वर्क इट डिपेंड्स ऑन द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी डिटर्मिनेंट ऑफ टाइम एलोकेशन इन कॉपरेटिव लर्निंग पहले लाइन में डिपेंड्स ऑन टास्क कॉम्प्लेक्सिटी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तो यहीं तक था हमारे दो कॉम्पिटेंशन जो है हम लोग ने प्रैक्टिस किया कल हम लोग और दो कॉम्पिटन्स प्रैक्टिस करेंगे और फिर चलेंगे हमारे यूनिट फोर के की तरफ जो कि है कम्युनिकेशन आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि आप जो वीडियो देखते हो आपको पसंद आ रहा है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में